रीवा की मनगवा थाना पुलिस ने आज बड़ी कार्यवाही करते हुए महज 6 घंटे के अंदर 30 लाख रुपए की लूट की घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसके बाद पुलिस की टीम आरोपियों से पूछताछ कर रही है। घटना में मुख्य रूप से 3 आरोपी शामिल थे, जिनके द्वारा गंगेव बाईपास के समीप लूट की वारदात को अंजाम दिया गया और पुलिस की टीम ने तत्परता दिखाते हुए तीनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल रीवा शहर के सिटी कोतवाली इलाके में रहने वाले बिहारी लाल सोनी शहर के खाना चौराहे स्थित एक दुकान में मुनीम का काम करते थे तथा उसी दुकान के मालिक द्वारा उन्हें 30 लाख रुपए देकर अपने किसी साथी को पैसे देने के लिए प्रयागराज भेजा जा रहा था और पैसे लेकर बिहारी लाल सोनी अपनी इनोवा कार से प्रयागराज के लिए जा रहे थे। तभी मनगवा थाना इलाके के गंगेव ओवर ब्रिज के समीप बदमाशों ने उनके साथ लूट की वारदात को अंजाम दे दिया। कि एक व्यापारी जिनका पैसा यहाँ से प्रयागराज जा रहा था अपने जीजा को देने के लिए, अपने मुनीम के माध्यम से कार से भिजवा रहे थे और उसमें ये सूचना मिली कि किसी मोटरसाइकिल पे 2 लोगों ने उनके साथ इस पूरे पैसे को लूट लिया है और उनको चाकू भी अड़ाया गया है और गाड़ी रुकवा के पूरी लूट की घटना की गई है। तो जिसके जैसे ही सूचना मिली तत्काल ही सभी टीमों को एक्टिव किया गया। SGOP मनगवा के इसमें नेतृत्व में इसमें वहाँ के मनगवा नईगढ़ी और यहाँ पे जिले में भी टीम्स बनाई गई, सभी जगह चेकिंग किया गया और फिर पूरे घटनाक्रम का विवरण फरियादी से लिया गया। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।